गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास का सब्जेक्ट कंप्यूटर, आज कंप्यूटर का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे। पेज नंबर निकालिए 18। आपका थर्ड चैप्टर है मॉनिटर एंड कीबोर्ड। इस चैप्टर में हम मॉनिटर और कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर, दिस इज अ मॉनिटर, इट लुक्स लाइक अ टेलीविजन। व्हाट एवर वी इंटर विद द हेल्प ऑफ माउस और द कीबोर्ड इन अ कंप्यूटर। जो मॉनिटर होता है वो किसकी तरह दिखता है? टेलीविजन। इसमें मॉनिटर जो होता है, इसमें मॉनिटर भी दिया हुआ है कि वो क्या वर्क करता है। इसमें कीज दी हुई है कि कीज कितने प्रकार की होती है। तो अभी हम मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर जो होता है वो क्या होता है? उसकी स्क्रीन होती है, वो टेलीविजन की तरह होता है। और हम उसे क्या कंप्यूटर में कीबोर्ड में क्या माउस की मदद से चलाते हैं। वी कैन सी ऑन इट, इट ऑल्सो डिस्प्लेज द आंसर बाय द कंप्यूटर। और उसकी जो स्क्रीन पर क्या होता है, आंसर रिजल्ट प्रदर्शित होता है। मॉनिटर इज ऑल्सो नाउ एज वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो मॉनिटर होता है वो वीडियो, वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी दृश्य प्रदर्शन इकाई होती है। ये मतलब दर्शाता है स्क्रीन पर। इट इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, वॉच मूवी और ड्रॉइंग एंड कलरिंग इमेज। इसका उपयोग क्यों करते हैं? डिस्प्ले यानी कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रदर्शित करने के लिए, मूवी देखने के लिए, ड्रॉइंग एंड इमेज को कलरिंग करने के लिए। इसमें देखिए पिक्चर दी हुई है। तो मॉनिटर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, जो मॉनिटर होता है उसमें क्या कर सकते हैं? हम इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं, डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है। मॉनिटर डिस्प्ले ड्रॉइंग एंड कलर इमेज। तो जो मॉनिटर होता है क्या करता है? ड्रॉइंग और कलर्स को भी डिस्प्ले करता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ द मॉनिटर एज इट हैज लिक्विड फिल्म इन इट्स स्क्रीन एंड इट शुड नॉट बी टचड बाय अ शॉर्ट थिंग। मॉनिटर होता है उससे हमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, केयर करना पड़ता है उसकी, यानी उसकी ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जो लिक्विड मतलब लिक्विड मिस होता है, तरल तरल भरा हुआ होता है, और हमें उसे नुकीली चीज से छूना नहीं चाहिए। कीबोर्ड, कीबोर्ड दिया हुआ है। वी नीड अ पेंसिल टू राइट ऑन अ पेपर। जैसे एक कागज पर लिखने के लिए पेंसिल का यूज होता है, सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो नीड समथिंग टू राइट ऑन द मॉनिटर। सेम उसी तरह पे कंप्यूटर के मॉनिटर पर लिखने के लिए टू राइट ऑन द मॉनिटर कीबोर्ड इज यूज्ड। उसी तरह कीबोर्ड पर लिखने के लिए, मॉनिटर पर लिखने के लिए किसका यूज होता है? कीबोर्ड का। इट इज यूज टू टाइप अल्फाबेट एंड नंबर। इसका उपयोग क्या टाइप करने के लिए किया जाता है? अल्फाबेट की वर्णमाला होती है ए से जेड तक एंड नंबर। इट हैज मेनी स्मॉल बटन्स। उसके जो कीबोर्ड के बटन्स होते हैं वो कितने होते हैं? बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। दिस बटन्स आर नाउन एज कीज। किस नाम से जाना जाता है? छोटे छोटे बटन होते हैं कीज के नाम से। देयर आर अबाउट 108 कीज ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितनी होती है? 108 कीज होती है। इसमें देखिए कीज के नाम दिए हुए हैं आपको, नंबर कीज, अल्फाबेट कीज, इंटर की, बैक स्पेस की, स्पेस बार की, एरो की। अब हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। लेट अस लिख टू नाउ अबाउट वेरियस कीज ऑफ अ कीबोर्ड। अब जो कीज दी हुई है उसके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट है आपकी नंबर कीज। नंबर कीज क्या होती है? जो नंबर होते हैं, नंबर दिए होते हैं कीबोर्ड में, वो क्या कहलाते हैं? सब नंबर कीज। दिस आर नंबर की ऑफ अ कीबोर्ड। जो कीबोर्ड में उतनी नंबर क्या होती है? कीबोर्ड की ये नंबर कीज होती है। दे आर 10 नंबर। उसमें कितने नंबर होते हैं? 10। दे आर मार्क विथ नंबर फ्रॉम 0 to 9, यानी किससे चिन्हित किया जाता है? 0 से 9 तक। अब हम पढ़ेंगे अल्फाबेट कीज। अल्फाबेट कीज क्या होती है? अल्फाबेट कीज होती है ए टू जेड। ए से जो जेड तक दी हुई होती है, यहाँ पे देखिए ए से जेड तक जो ये पिक्चर दी हुई है आप इसमें देख सकते हैं। दिस आर अल्फाबेट कीज ऑफ अ कीबोर्ड। ये कीबोर्ड की क्या होती है? अल्फाबेट कीज होती है। दे आर 26 इन नंबर। और ये कितने होते हैं? 26। दे आर मार्क्ड विद इंग्लिश अल्फाबेट फॉर्म ए टू जेड। इसे किससे चिन्हित किया जाता है? ए से जेड तक इंग्लिश में अल्फाबेट, ठीक है। द कीबोर्ड डिस्प्लेज द अल्फाबेट एंड क्यू
WERTY फॉर्म, और इसको क्या किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, Q से Y तक, ठीक है, इंटर की, these are two इंटर कीज विजिबल ऑन द कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी इंटर की होती है, two इंटर की, इंटर की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू नेक्स्ट लाइन, और जो इंटर की होती है उसका उपयोग किया जाता है नेक्स्ट लाइन पे मूव जाने के लिए, इट इज आल्सो यूज्ड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ, तो इसका उपयोग न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए भी किया जाता है। इंटर की इज आल्सो नाउ एज अ रिटर्न की, और इंटर की को किस नाम से जाना जाता है, रिटर्न की है, बैक स्पेस की, दिस इज द बैक स्पेस की, यहां पे देखिए आप पिक्चर देखिए बैक स्पेस की, ये बैक स्पेस की होता है, इट इज यूज्ड टू इरेज अ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ अ वर्ड, और ये क्या होता है, तो जब हम लेटर लिखते हैं उसके राइट साइड जो दाएं तरफ होता है उसको मिटाने के लिए, शब्द को मिटाने के लिए बैक स्पेस की का यूज होता है। स्पेस बार, दिस इज द स्पेस बार की ऑफ द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड की एक स्पेस बार की होती है, इट इज यूज्ड टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड, ये दो टू वर्ड्स में क्या कहते हैं स्पेस देते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ द कीबोर्ड, और ये क्या होती है कीबोर्ड की सबसे लॉन्गेस्ट यानी लंबी की होती है एरो की, दिस आर द एरो कीज, इसमें देखिए पिक्चर दी हुई है एरो की, यहाँ पे एरो दिए हुए हैं जिस साइड में हमें जाना है, दे आर यूज्ड टू मूव द कर्सर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें जिस डायरेक्शन में जाना है वहाँ पे हम क्या करते हैं एरो की का यूज करते हैं। मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन, मॉनिटर क्या होता है टेलीविजन की तरह दिखता है, डिजाइन डिस्प्ले यूनिट है क्या प्रदर्शन का, इट इज आल्सो कॉल्ड वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये दृश्य प्रदर्शन इकाई के नाम से इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अ कीबोर्ड हैज मेनी स्मॉल कीज, और जो कीबोर्ड की होती है वो सबसे छोटी कीज होती है, देयर आर 26 अल्फाबेट कीज ऑन अ कीबोर्ड, और इसमें 26 अल्फाबेट कीज होती है कीबोर्ड में, देयर आर 10 नंबर की ऑन अ कीबोर्ड, और इसमें 10 नंबर की होती 10 नंबर की होती है ऑन अ कंप्यूटर पर, द स्पेस बार की द लॉन्गेस्ट की ऑन अ कीबोर्ड, और स्पेस की होती है वो कीबोर्ड की सबसे लंबी कीज होती है।